तो जब मैं प्लेन से निकला था उस आदमी ने मेरी फोटो खींची थी ना पासपोर्ट की, उसने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था इमिग्रेशन पर। तो जैसे मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया, एक लेडी आ गई, एक मेन इमिग्रेशन वाला अफसर, अमीगा पुलिस के जवान लगे हुए ट्रेनिंग पे, ऊपर झंडा पनामा का। मैं यहाँ से टैक्सी लेके होटल पहुंच जाऊँ, मेरे को याद थोड़ी रहेगा फ्यूचर में मैं कैसे गया था। ये धक्के याद रहते हैं हमेशा। Sal de tu nido, paloma linda. एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभी कोस्टा रिका, जो कि एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, उसकी कैपिटल सिटी सैन होजे से लगभग 20 मिनट दूर एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है सेंटो डोमिंगो, और अपने होटल में जिसका नाम है होटल बुगनविलिया शायद। तो क्योंकि उस फूल के नाम पे होटल का नाम है, तो सारी जगह फूल लगे हुए और चीज़ें एकदम हरी भरी है। बहुत शानदार नज़ारा है मेरे कमरे से भी, और ना बहुत खूबसूरत है कोस्टा रिका, आपने जैसे देखा ही मेरी वीडियोस में। आज मैं जाने वाला हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन, यानी कि मेरी अगली कंट्री जो कि है पनामा, और कुछ ही घंटों मेरी फ्लाइट है लगभग 3-4 घंटों में सैन होजे यहाँ की कैपिटल सिटी से पनामा सिटी। मेरी टी शर्ट पे आप पढ़ पा रहे होंगे प्योरा विदा, ये यहाँ पे बोलते हैं कोस्टा रिका में ग्रीटिंग, जिसका मतलब है प्योर लाइफ। देख ही सकते हो आप कितनी प्योर है इनकी लाइफ। तो भाई मैंने लिया ये खाना, तोर्तिया, फ्राइड केले, आलू, चीज़, अंडे की भुजी, राजमा चावल, योगर्ट, ताज़ा ऑरेंज जूस, फ्रूट्स, ब्रेड, बटर। खाना खा लिया, बैग्स पैक्ड है, उठा के बैग्स चलते हैं नीचे, सीढ़ियों से ही चलते हैं, क्या लिफ्ट बुलाएंगे, फर्स्ट फ्लोर भी था। लेट्स गो। De tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. तो यहाँ पे कोस्टा रिका में ना मेट्रो नहीं है, हालांकि कैपिटल सिटी इनके सैन होजे, पर लोकल ट्राम चलती है जो सड़क पे से गुजरती है, और जैसे अपने इंडिया में फाटक बंद होता है ना, वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट है। देखो फाटक खुल गया है और ये ट्रैक है, तो ये सिटी में हर जगह जाती है, और जब ये गुजर रही होती है तो जो मेन रोड पे गाड़ी होती है फाटक बंद हो जाता है, उधर जाती है। पर अपने इंडिया की तरह ही नहीं है कि आधा घंटा पहले फाटक बंद करके रख दिया, मतलब अभी बंद किया था और जैसे ट्रेन गुजरी उसके एक सेकंड में फाटक खुल गया, और अपना तो आता भी धीरे 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 धीरे, इनका तो एक सेकंड में आ गया। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है यहाँ की बियर फैक्ट्री कोस्टा रिका की। व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर कोस्टा रिकन बियर? इंपीरियल Pilsen. I did not try the local beer here in Costa Rica. In Belize, they have Belkin. In Mexico, they have so many like Corona and everything. In Guatemala, I think they had Galle. I did not like it, the beer in Guatemala. In El Salvador, I forgot the name, but I think theirs was fine. In Honduras, they had Salva Vida, which was good. आ गया मैं एयरपोर्ट, चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, ढूंढते हैं अपनी फ्लाइट। ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को इनकी, देखो एयरपोर्ट के बाहर साबुन और वॉश बेसन से, और साथ में ये पेपर टॉवल्स। यार ये क्या आगे लिख रखा है, डिपार्चर टैक्स। बाकी मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया, पर इधर से बोर्डिंग पास प्रिंट करना पड़ेगा दोबारा ऑटो चेक इन पे। ओ भाई इसमें तो पासपोर्ट डालना पड़ेगा खोल के, इसने भाई पासपोर्ट स्कैन कर लिया और सारी डिटेल्स आ गई इसमें। भाई देखो इंडियन पासपोर्ट के मजे, वी नीड टू चेक योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस फ्लाइट, प्लीज़ ब्रिंग दिस कूपन टू एन एजेंट, द कियोस्क कैन नॉट कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। काफ़ी जल्दी हो गया यार प्रोसेस। एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे ना सेंट्रल अमेरिका में खासकर, हालांकि ऐसा भी नहीं कि प्लेन खाली जाते, प्लेन भी भरे हुए जाते, पर टाइम ही लगता चेक इन के टाइम। 20 मिनट के अंदर मेरा बोर्डिंग पास निकल गया, बैग चेक इन हो गया, इमिग्रेशन क्लियर हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, सब कुछ हो गया 20 मिनट के अंदर। अभी फ्लाइट में मेरे 2.5 घंटे बच रहे, लेकिन अब क्या करूँगा इतनी देर, इतनी जल्दी होगी यार सारी चीज़। 20 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से लाइफ का सबसे तेज़ था ये, आज तक इतनी जल्दी नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं, बैठ जाएंगे, गाने सुन लेंगे और क्या करें। बाकी एयरपोर्ट बढ़िया है, क्योंकि मोस्टली सारे पैसे वाले टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे कोस्टा रिका, क्योंकि देश भी महंगा है, तो उस हिसाब से एयरपोर्ट भी इन्होंने महंगा टाइप बना रखा है।
ये देखो इससे आपको आइडिया हो जाएगा बोर्डिंग गेट्स देख के, सारी अमेरिका की फ्लाइट्स हैं, न्यूयॉर्क, मियामी और लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, एटलांटा। मोस्टली अमेरिका वाले आते हैं, वो गले में जो वो जो टूरिस्ट होते हैं गले में कैमरा डाल के आते हैं, सुबह टूर के लिए निकलते हैं, शाम को टूर से वापस आते हैं, पूरा दिन उस कैमरा से फोटोज़ खींचते हैं, कैपरी पहन के ऊपर एक हैट पहन के, सारे वो वाले टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे जैसा मैंने देखा। मेरा गेट है 20, यानी ये आखिरी गेट है पूरे एयरपोर्ट का, बाकी ज़्यादा गेट नहीं है, टोटल 20 ही गेट है, उसमें से आखिरी मेरा। और बोर्डिंग गेट पे ही इनका इंपीरियल बियर वालों का बार है। इट्स द लोकल बियर राइट, कोस्टा रिकन, या जस्ट वन इंपीरियल प्लीज। तो ये है भाई इंपीरियल, $5 की, यहाँ पे तो 400 रुपये से भी ज़्यादा की है। कोई नहीं, चलो एक याद के तौर पे कर लेते ट्राई। ये है भाई इंपीरियल कोस्टा रिकन बियर, सही है यार, टेस्ट में बढ़िया है। बाकी ना एयरपोर्ट पे बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर देते हैं, एकदम ठंडी करके, तो वैसे भी बढ़िया लगती है। यूँ तो नहीं है कि मेरी आज तक की सबसे बढ़िया है, पर अच्छी है। बोर्डिंग स्टार्ट होगी बाकी मेरी फ़्लाइट की, मेरे खाते से कटे 440 रुपये, इसमें इन्होंने टैक्स नहीं जोड़ा था जो बिल में जुड़ गया है, पर ठीक ठीक कर कुरा के जैसे भी है। जल्दबाजी में पूरी तो पीने की थोड़ी छोड़ दी मैंने, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होगी। ये फार्म दिया भाई, फार्म मांगा, ये भरना है कस्टम्स का। भयंकर गर्मी है भाई इधर तो, बाहर निकलते इतनी गर्मी लग रही है। मैंने ना पहली बार देखा था कि फ्लाइट से बाहर निकलते टाइम ही इमिग्रेशन वाले बाहर खड़े हो गेट पे, वहाँ पे दो खड़े इमिग्रेशन वाले, सबके पास पासपोर्ट देखते ही जाओ जाओ, मेरा देखा इंडियन पासपोर्ट हमेशा की तरह, आपने हर वीडियो में देखा होगा, इंडियन पासपोर्ट देखते ही चौंक जाते हैं कि भाई क्या करना है। फिर मेरे पासपोर्ट की फ़ोटो खींची उसने, अमेरिकन वीज़ा देखा उसकी फ़ोटो खींची, बोला कितनी रात रुकोगे, थोड़ा बहुत पूछ पाछ के फिर बोला जाओ। इनके एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ होगी मैंने सोचा नहीं था। तो मेरा जो बैगेज है ना वो टर्मिनल 2 पे आएगा मेरी एयरलाइन का, कोपा का, वरना मैं टर्मिनल 1 पे जा रहा था। ये क्या है, सिम कार्ड लेने के लिए। मैं बोल रहा था ना कोस्टा रिका में डिपार्चर टैक्स भी है, वो देना है नहीं देना, पर वो फ्लाइट टिकट में इंक्लूडेड था, मैंने पूछ लिया था एयरलाइन पे जो बैग चेक इन करा रहा था कोस्टा रिका में एयरपोर्ट पे, मेरे ख्याल से $30 का था बाकी वो टैक्स। यहाँ की करेंसी ना पनामा की $US है, या फिर पनामानियन बेल्बो है जो कि एक $1 के बराबर ही है, $US चलते हर जगह यहाँ पे जैसा मैंने सुना है अभी तक। ATM है तो इधर, पर सिटी में जाके निकलवा लेंगे यार, यहाँ पे शायद रेट गंदा मिलेगा एयरपोर्ट पे। तो सिम कार्ड ना मेरे पास वैसे तो गूगल फाई है जो हर कंट्री में काम करता है ऑलरेडी, लेकिन ना वो मैंने US से लिया था और उसके महीने के $65 देता हूँ मैं अनलिमिटेड डाटा के, मतलब 50 GB तक तो फुल स्पीड है, उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। तो लेकिन ना 3 महीने से ज़्यादा आप US से बाहर हो ना तो बंद कर देते हैं सर्विस, और मेरे 3 महीने पूरे हो गए थे US से निकले हुए, तो फिर मेरे को सिम कार्ड लेना पड़ा। पर मैंने अच्छी चीज़ क्या करी, मैंने क्लारो का सिम कार्ड ले लिया। अभी यहाँ पे आओ ना सेंट्रल अमेरिका में तो क्लारो का सिम कार्ड ले लेना, इन सब देशों में मोस्टली क्लारो है। होंडुरस से लिया था मैंने और उसमें मैंने 25 GB का रिचार्ज करा लिया, मेरा यूज़ ज़्यादा होता है तो वो मेरा 2-3 दिन में यूज़ हो गया। लेकिन फिर मैंने उसके बाद 40 GB रिचार्ज और करा लिया, वो अब मैं ध्यान से यूज़ कर रहा हूँ और वो सारी कंट्रीज़ में वैलिड है और बहुत सस्ता हो गया था वो रिचार्ज मेरा, मेरे ख्याल कितने 700-800 रुपये में हो गया था मेरा 40 GB इंटरनेट होंडुरस से लिया था, तो वही सिम मेरा भी यहाँ पे सारी जगह चल रहा है। तो सबसे बेहतर ये है कि ऐसा सिस्टम देख लो कि जो सिम कार्ड आपका ऑलरेडी दूसरे देशों में चले। बैकअप के लिए मैंने मेरे एयरटेल पे भी 3000 का रिचार्ज करा रखा है, 2997 का, जिसमें 1 साल तक वैलिड है और 2 GB इंटरनेट है टोटल, पर मैं वो मैं कोई बहुत ही एमरजेंसी हो जाना उसके लिए रखता हूँ बैकअप के लिए यूज़ करने के लिए। टर्मिनल 2 पे आ गया इनके एयरपोर्ट पर, मेरे को उम्मीद नहीं थी इनका एयरपोर्ट इतना बड़ा और बिजी होगा, मेरे को लगा छोटा सा होगा, कौन आता है इतना इधर, पर ये एक एक्चुअली मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, साउथ अमेरिका एक बिल्कुल नॉर्थ में कोलंबिया से कनेक्टेड है और नॉर्थ अमेरिका एक बिल्कुल साउथ में, वैसे तो सेंट्रल अमेरिका बोल देते हैं पर सेंट्रल अमेरिका एक्चुअली में कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट तो नॉर्थ अमेरिका ही है। कम से कम 1500 कदम चल लिया हूँ अब जाके फाइनली टर्मिनल 2 का बैगेज और माइग्रेशन का बोर्ड आया, देखते हैं कितना और चलना है भाई, बहुत ही चलवा दी इन्हें तो। ये आ गई भाई फाइनली इमिग्रेशन, लाइन लग रही है बाकी भाई यहाँ तो बहुत भीड़ है, मतलब पर बड़ा है इमिग्रेशन तो जल्दी आ जाएगा नंबर। लेकिन इमिग्रेशन के तुरंत बाद ही मतलब इमिग्रेशन पे ही वही हुआ जिसकी मेरे को उम्मीद थी, जो हमेशा होता है
इंडियन पासपोर्ट की वजह से देखते ही चौक जाते हैं कि भी पता नहीं कौन एलियन आ गया। तो जब मैं प्लेन से निकला तो उस आदमी ने मेरी फोटो खींची थी ना पासपोर्ट की, उसने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था इमिग्रेशन पर। तो जैसे मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया, एक लेडी आ गई, एक मेन इमिग्रेशन वाला अफसर, और पूछने लगे कि भी क्या करोगे, किस लिए आए हो, कहाँ रुकोगे। बार बार मेरा पूरा पासपोर्ट स्कैन कर रहे, सारी स्टैम्प्स देख रहे, हालांकि मेरा पासपोर्ट तो भरा हुआ है, यूरोप के इतने वीज़ा एक्सपायर हो रखे, यूएस का वीज़ा, सारे वीज़ा थे। काफ़ी ऑब्वियस है कि ये ट्रैवलर ही है, पर फिर भी कई देर इंटरोगेशन करी, फिर मेरा पासपोर्ट ले गया अंदर, मेरे को बोले वेट करो सर थोड़ी देर। फिर अंदर गए, शायद उन्होंने मेरा वीज़ा वगैरह चेक किया होगा कि असली है नकली है। काफ़ी बार चेक करे बाद फिर बोले कि भी वेलकम। तो मैं बैग लेता हूँ और अब अपना वेलकम करते हैं। ये बैग का कवर गायब, दूसरी बार होया मेरे साथ ही, मेरे बैग का कवर गायब। और ये क्या है, खोल भी रखे हैं ऐसे। तो नया कवर खरीदा था मैक्सिको में मैंने, जब मैक्सिको में लैंड हुआ था तो उन्होंने कवर फाड़ दिया था, मेरा गायब तो नहीं हुआ था, यहाँ तो गायब ही कर दिया। और मैं ना भाई बैग की इस जेब में चॉकलेट रखता हूँ, एक आधी न्यूट्रिशन बार या प्रोटीन बार सी, कि बैग टांगो चलते चलते एकदम भूख लगे तो कुछ खा ले। वो चॉकलेट्स इसमें से गायब है। और बैग बंद था, मतलब आपने देखा ही होगा कवर में था, और ये अंदर डाल रखे थे मैंने पट्टे से, तो वो कवर गायब है और इसमें से चॉकलेट्स भी गायब है। कुछ और सामान गायब होगा तो बाद में पता चलेगा। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं मैं आपको, ये थी कोपा एयरलाइन सैन होजे से पनामा सिटी। इनका यहाँ पे काउंटर तो है, शिकायत करके देखते हैं कुछ बात बनती है। तो ये तो बोले कि भाई हम बैग कवर गुम हो जाने पर कोई उसकी कवरेज नहीं देते या कुछ भी, और बोले आप वेबसाइट पे जाके लेकिन कंप्लेंट डाल सकते हो। अब काम है इतनी वेबसाइट खोल लूँगा इनकी ढूंढ के कंप्लेंट डालूँगा। कोस्टा रिका एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने के लिए इमिग्रेशन चेक इन सिक्योरिटी सब कुछ मिला के 20 मिनट लगे थे, और यहाँ पे सब कुछ होए बाद फ्लाइट से उतर के बाहर जाना था, बस उसमें लगे सवा एक घंटा पनामा एयरपोर्ट पे। पहले तो टर्मिनल दूसरी इतनी दूर चल के जाओ, फिर उसके बाद इमिग्रेशन भी इतनी देर टाइम ख़राब करा उन्होंने। चलो कोई नहीं, उनका प्रोटोकॉल है। उसके बाद फिर बैग लिए, बैग का कवर नहीं था। उसके बाद फिर कस्टम्स एंड में, कस्टम्स की इतनी लंबी लाइन लगी, और इतनी इनकी गलती भी नहीं यार, ये मोस्टली जो गोरे हैं ना सबसे लेट ये कराते हैं आमतौर पर, जो सबसे पढ़ा लिखा सबसे एडवांस अपने को समझते हैं जो इन देशों के जो लोग हैं, वो बेचारे बुला रहे इमिग्रेशन वाले, वो सुन ही रहे अपनी धुन में मस्त है। कस्टम्स की लाइन में भी कुछ पता ही नहीं, फॉर्म नहीं भर रखा। इनके पासपोर्ट तो बना दिए, मतलब है दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत और पैसेंजर्स के लिए ही करते हैं। हमारे पासपोर्ट भी वीक, हम दुखी भी इन्हीं की वजह से होते हैं। और तो भाई यहाँ से अब सिटी तक जाने का सबसे आसान तरीका तो बेसिकली वही है, टैक्सी ले लो। लेकिन ऊबर के दिखा रहे हैं यहाँ से $18 मेरे होटल तक के, महंगा है पनामा जैसा कि मुझे अभी तक लग रहा है, यानी कि कितना इंडिया के 1500 रुपये करीब यहाँ से मेरे होटल तक के। दूसरा तरीका इनका ना, टूरिज्म बोर्ड की फ्री शटल चलती है, यहाँ मेट्रो मॉल है पास में 15-20 मिनट दूर, उधर उतर जाओ और आगे से फिर पब्लिक बस ले लो। इधर पब्लिक बस सिर्फ एक ही बस आती है, लेकिन उस बस के लिए कैश से पेमेंट नहीं कर सकते, कार्ड होना चाहिए यहाँ की बस का। वो कार्ड बस में मिलेगा नहीं, किसी इनके मेन बस स्टेशन जाना पड़ेगा या फिर किसी बड़े सुपर मार्केट में मॉल में मिलेगा, वो भी यहाँ आसपास नहीं है। तो सबसे बेस्ट बैट यही है कि फ्री शट लेके उस मॉल में जाओ, मॉल से फिर आगे बस ले लो। वो आगे इन्फॉर्मेशन इनका टूरिज्म बोर्ड का काउंटर दिख तो गया। हाय, हाउ कैन आई रीच द सिटी फ्रॉम द एयरपोर्ट? I read online that there is a shuttle to Metro Mall from the airport. Okay, the shuttle take in Terminal 1. There is shuttle of the airport to take you to Terminal 1. So I have go to walk? Outside and walk. On my right. Okay, thank you so much. Terminal 1 तो यार यहाँ से काफ़ी दूर दिखा रहा है वॉकिंग, क्योंकि रास्ता सा दिख नहीं रहा है यहाँ पे जाने का। और जो पब्लिक बस आती है ना यहाँ पे, एक पब्लिक बस भी आती है जैसे मैंने बताया, पर उसके लिए कार्ड चाहिए यहाँ का। या फिर दूसरा तरीका है, कोई और पैसेंजर चल रहा हो ना, उस पैसेंजर को पैसे दे दो कि भी तू तेरे कार्ड से पेमेंट कर दे, 25 सेंट की है, यानी कि एक US डॉलर का भी चौथा हिस्सा, अपने इंडिया के 30 रुपये हो शायद। पर मेरे पास खुले US डॉलर्स भी नहीं है, 50 US डॉलर का नोट है मेरे पास, या तो कुछ मुझे ले लेना चाहिए अंदर, छोटा मोटा खाने पीने का, पैसे खुले हो जाते और फिर एक ही डॉलर देता किसी को। यहाँ पे साइन भी लगा हुआ है मेट्रो बस, कैसे करे। बाकी बस बस तो मैं ले लूँगा, उसकी चिंता ना करो, मैं आपका स्वागत करना भूल गया। एक नए देश में आप सभी का स्वागत है, मेरी शायद 44वीं कंट्री है। अरे वो बस किस चीज़ की खड़ी है? अरे वो देखो एयरपोर्ट शटल। ये इसमें मैं अभी भाग के चढ़ जाता हूँ, अगर ये वही है तो।
ये तो रुकी हुई खड़ी है ये रही भाई, चलना ही नहीं पड़ा अपने को। हाय, विल इट गो टू मेट्रो मॉल टर्मिनल वन? ये तो भाई टर्मिनल की बस है सिर्फ, ये उस मॉल पे नहीं उतारेगी, पर मेरे को टर्मिनल वन तो उतार देगी। तो कोई नहीं, आधा काम तो ही जा रहा है अपना, आगे पहुंच के देखते हैं टर्मिनल वन से। तो भाई नीचे उतराना है उससे, नो टैक्सी, सोलो साथी साथी, तो उससे उतराना बस से। ये आदमी चिपक लिया मेरा, मैंने इसे पूछा सर लगा से, मैंने इसको लगा टैक्सी थी, पीछे पड़ गया भाई। शटल अब किससे पूछे यार, ये ऐसे देशों में पता भी नहीं चलता कौन भरोसे का आदमी है, कहीं तो झूठा आईडी कार्ड पहन के खड़े हो जाते हैं, झूठी वेस्ट सी और आईडी कार्ड। ये है टर्मिनल वन, टर्मिनल टू से तो बड़ा है ये। अमीगो शटल पारा मेट्रो मॉल फ्री शटल फिनाल फिनाल ओके फिनाल नो मिनट ग्रासियस अमीगो। लेने को तो टैक्सी $18 की, मैं ले भी लूँ कोई वो नहीं, पर मैं ये एडवेंचर जो होता है ना धक्के खाने का, ये याद रहता है, टैक्सी के सफर याद नहीं रहते। अब मैं यहाँ से टैक्सी लेके होटल पहुँच जाऊँ, मेरे को याद थोड़ी रहेगा फ्यूचर में मैं कैसे गया था, ये धक्के याद रहते हैं हमेशा। बाकी शायद ना उसके शटल के लिए भी कार्ड चाहिए था, चाहिए है वो आदमी तो मेरे को बोल रहा है जिससे मैंने पूछा था, देखते एक बार मिले दो। तो भाई मैं लाइन में लग गया और मेरे पास खुले पैसे तो थे नहीं, पर एक औरत आई बोली मैं पैसे दूंगी, मेरे पास $50 का नोट था, मैंने वो दिखाया, बोली नहीं देने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आने। ये अरे वाली औरत है भाई, भला करे भगवान। Contigo? Sí. ओके gracias. Gracias. Amiga, esta para tú. Ay, gracias. De nada. Esta. Sí. Okay. तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कार्ड, यानी कि तरजेता मेट्रो स्टेशन से, और फिर बोल रहे ये भाई की कार्ड लेके फिर बस ले देना, क्योंकि कार्ड और जगह मिलता नहीं। ये भाई लाइन लगी हुई, ये तो है कार्ड खरीदने की लाइन, और ये सिर्फ मेट्रो की टिकट लेने की सीधा लाइन, या रिचार्ज करने की, हाँ रिचार्ज करने की है ये कार्ड खरीदने की। Muchas gracias, mi hermano. Para ciudad, autobús está aquí. Para no tarjeta, yo tengo comprar. Compra la tarjeta, estamos aquí. Compras la tarjeta, ajá. Te montas aquí, vas a coger corredor sur, tienes que bajarte acá, ¿ves? En San Miguelito. Okay, don't worry. ¿Cómo se llama? Nedel. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Yo. Yo. Jera. Soy Paramjit. Mucho gusto. भाई इसमें इंग्लिश भी है नहीं, ओ भाई इंग्लिश मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट इज बाय ट्रांसपोर्ट कार्ड, ठीक है भाई $2। इंसर्ट बैंक नोट्स, रिचार्ज अमाउंट इधर $50 का अपना डालते हैं। नहीं भाई ये तो एक पाँच और दस के ही लेगा। Amigo, ¿tienes cambio para no? Es que ese es moneda, ese es todo moneda. ATM से निकालते हैं भाई, खुले मिल जाए तो। अपन निकलवाते हैं 315। $5.5 का तो अपने चार्ज ही लगेगा, पर अब क्या इलाज है, कोई नहीं। मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट फॉर दिस कार्ड, अच्छा तो फिर भैया अपन निकलवा लेते हैं 145, ताकि 5 का नोट आ जाए, इसलिए मैंने 45 डाले आगे। अरे यार दे दे तू पैसे बस, वाह बहुत बढ़िया। इस पे $6 की फीस है और मैंने कर दिया, पता नहीं इस पे भी नहीं निकल रहे भाई। अभी मैं ट्राई करूँगा एक दूसरे कार्ड से और आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन हुई है।
एक बार पैसे निकल जाए अपने। कोई देख ना ले, बस जल्दी से निकाल लेता हूँ। लैटिन अमेरिका में हूँ मैं, $250 निकलवाया। लो भाई अब निकलवा लेते हैं अपन मेट्रो कार्ड भी। ओके सर्वर डाउन है। ओके भाई ये मदद तो बहुत कर रहे हैं आगे। पोको ऑटो बस पारा सीधा से ओके ओके। भाई इन्होंने मेरे को फ्री में मेट्रो स्टेशन घुसा दिया। कुछ पढ़ने की आवाज़ आई, मेरे को लगा कि मेरा कुछ पढ़ तो नहीं गया। फ्री में मेट्रो स्टेशन घुसा दिया, बोले कहाँ जाओगे? मैं बोला मेरे को शहर में जाना है। हालांकि मेरा प्लान ये था मेट्रो कार्ड लेके रिचार्ज करा के नीचे जाके ऊपर लेके शहर पहुँच जाऊँगा। एक्सपीरियंस लेना था अपने को, वो अपन ने ले लिया ऑलरेडी। और इतने बैग के साथ मैंने सोचा बसों में ट्रेनों में कहाँ सफ़र करूँगा, पर अब अगले ने फ्री में घुसा ही दिया तो चलो चलते हैं जहाँ भी मंजिल लेके जाएगी। या मेट्रो आइए इसी में चले जाते हैं जहाँ भी जाएगी। चलो भाई तो यहाँ पे टर्मिनेट होगी। मैं तो चले जा रहा था फ्लो के साथ, भूल भी गया था कहाँ उतरना है कहाँ नहीं, कुछ देखा ही नहीं कहाँ जाना है क्या नहीं। और बिल्कुल अपने दिल्ली मेट्रो जैसी थी भाई मेट्रो तो। ये देखो ये है ट्रेन स्टेशन से कुछ नज़ारे यहाँ के नेबरहुड के। मैंने अपने पर्स में हमेशा $1 का नोट रखता था हमेशा से, चाहे किसी भी देश में $1 का नोट रहता था मेरे पर्स में इमरजेंसी के लिए, वो मैं रखता ही था, कभी खर्चता नहीं था। अमेरिका था तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि $1 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मैंने वो निकाल दिया मेरे पर्स से। और आज जब मेरे को बस लेनी थी ना, और बस 25 सेंट की थी, तब मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे पास अभी वो $1 का खुला नोट होता तो मैं बस ले सकता था। और मेरे पास $50 का नोट था हालांकि, पर आपने देखा कैसे बस में भी मैं फ्री में आया, एक लेडी ने मेरे लिए पे कर दिया और ना मेरे से पैसे लिए, और मेट्रो स्टेशन में जो ऑफिशियल था वहाँ का उसने अपना कार्ड लगा दिया और मेरे को फ्री में जाने दिया। मतलब मेरी ना एक आदत है, मैं किसी से ले नहीं सकता मतलब कुछ, अगर अगला मेरे को कुछ देता है ना तो मैं बदले में उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं खुले उसको देने के लिए, मेरे पास स्निकर्स चॉकलेट थी एक बड़े वाली, तो मैंने उस लेडी को वो चॉकलेट दे दी बदले में। बाकी पर अगर मैं उस $1 का नोट होता और पैसे पे कर देता तो ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाता पूरा। मैंने अभी एयरपोर्ट से प्लेन का और सारा कस्टम्स इमिग्रेशन एक्सपीरियंस तो लिया ही, उसके बाद लोकल बस भी, उसके बाद मेट्रो भी, और अभी पता नहीं कितने और धक्के खाने हैं। ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है दूसरी मेट्रो के लिए, जो लोग लाइन चेंज करेंगे। मेरा तो बस ये प्लान था ATM से पैसे निकालती है मैं ऊपर करा के निकल जाऊँगा, पर वो मेट्रो ऑफिशियल ने मेरे को जाने दिया और मैंने कार्ड भी ले लिया। कार्ड तो मैं सिर्फ एज़ अ सोविनियर ले रहा था मेट्रो का कार्ड, और उस लड़के ने भी इतनी मदद करी, उसने बताया यहाँ से जाना, फिर लाइन चेंज करना, फिर आगे और करना। अभी देखता हूँ सोचता हूँ क्या करना है क्या नहीं। ऊबर बुक करा ली मैंने, ऊबर आने लग रही है, और जिस जगह पे मेरे को रुकना था ना वो भी मैंने चेंज कर ली। मैंने इमिग्रेशन में बताया था कि मैं होटल लिस्बुआ में रुकूंगा, पर मैंने नेट पे भी उनके रिव्यूज चेक करे तो वो बेकार था, तो फिर मैंने क्या करा सेलिना हॉस्टल में बुकिंग करा ली। सेलिना एक पॉपुलर हॉस्टल की चेन है, बेसिकली को वर्किंग स्पेस वगैरह के लिए पॉपुलर है। ऊबर वाला नीचे आ गया, ड्राइवर कार्ड तो है नहीं अपने पास। ओह अरे कार्ड है पर उसमें पैसे नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट है, ये खुली है बंद है, ये भी बंद है। अच्छे फंसे भाई, ये सही था, मेरा वीज़ा कार्ड काम कर गया। ये है मेरी ख्याल, ये मैसेज कर रहा था मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। नोमन ओके खोल दे। लो सिएंटो हरमानो, जब मैं लैंड हो रहा था प्लेन से तो मैं बाहर बिल्डिंग्स देखने लग रहा था, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी, मेरे को लगा सारा ऐसा ही होएगा पनामा, पर जब
नज़दीक आ गए ना नीचे एकदम लैंड होने लगे, तब देखा वो हरा भरा जिस चीज़ के लिए पनामा जाना जाता है, हरियाली के लिए और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी और नेचर है वो चीज़। फिर पेड़ ही पेड़ दिखे, बस वो कुछ ही बिल्डिंग थी जो प्लेन से एक दो दिखी थी, वो मेरे को भी दिख रही है आगे, ये बस एक ही जगह है मेरे ख्याल से। और ना मेरा जो कार्ड था ना जिससे मैं पेमेंट्स करता हूँ इंडिया के बाहर, अभी अभी ईमेल आई थी आरबीआई की ना, कोई गाइडलाइंस चेंज होगी उस वजह से वो कार्ड अब बाहर काम नहीं करेगा इंडिया के, तो कार्ड इसलिए एटीएम से मेरे पैसे नहीं कट रहे थे, फिर मैंने दूसरे कार्ड में पैसे डाले, दूसरे कार्ड से निकलवाए पैसे, और अब जाने लग रहे हॉस्टल की तरफ। सलीना पुलिस वाले ने रुकवा ली भाई गाड़ी, इधर ना देखो सारी इसके शीशे काले, जितनी भी गाड़ी है सबके शीशे काले, क्योंकि इधर वो है ना थोड़ा खतरा रहता है पूरे लैटिन अमेरिका सेंट्रल अमेरिका में, और बिल्कुल जट पे ले गए बाहर से कुछ नहीं दिखता। पुलिस वाला देख के भी इसने गाड़ी रोकी, पहले तो बेल्ट लगाई और फिर भी उसने देखा और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया। और फिलहाल 2023 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स और 70 से ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ। घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाके मैंने एक्टिव वोल्केनो हाइक किया, तो किसी देश में जाके सर्फिंग सीखी, किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया, तो किसी जगह खुद क्लासेस लेके वहां की लैंग्वेज सीखी। मैंने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेस और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेके चीपेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज सब देखा। इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ, लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी। और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, या बिना सोशल मीडिया का यूज करे ट्रैवल से पैसे कैसे कमाए, सोशल मीडिया से कैसे और एग्जैक्टली कितनी इनकम होती है, ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाएं, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है, ब्रांड डील्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड क्रिएशन, गेटिंग पेड इंटर्नशिप्स अब्रॉड, जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में। ये सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए, और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके। कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट passengerparamvi.com पे अपलोड कर दिया और आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कमरे में सामान तो रख दिया, पास में कोई सुपरमार्केट ढूंढते हैं चल के बाहर जिससे सामान ले लूं कुछ थोड़ा बहुत। ये है भाई सलीना कोवर्क, आज मेरे ख्याल से सालसा नाइट बता रहे थे वो जोन साहब जी ने, आज पता नहीं भयंकर थका हुआ भाई। बाकी नीचे ये बार सा है ग्राउंड फ्लोर पे, और ये पुरानी सी बिल्डिंग है, इसको इन्होंने सजा तो जाके बढ़िया सा बना रखा है थोड़ा। सॉरी, तो वो इलाका तो ना सेंटर के आसपास था जहाँ से मैंने ऊपर ली थी, पुराना सी इलाका था, सड़कें भी टूटी फूटी और गरीबी सी दिख रही थी। ये इलाका थोड़ा टूरिस्टी है, इधर मेरे को टूरिस्ट दिख रहे आते फिर भी, और ये थोड़ा मॉडर्न सा इलाका, साफ सुथरा और बिल्डिंग्स भी कलरफुल सी सुंदर सी। यहाँ पार्क में पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, मेरे लेफ्ट में पुलिस के जवान लगे हुए ट्रेनिंग पे, ऊपर झंडा पनामा का। पनामा आप लोग शायद ना जानते हो तो बता दूँ, वेस्ट में इसकी बॉर्डर है कोस्टारिका से, नॉर्थ में इसके है करेबियन सी, साउथ ईस्ट में इसके है कोलंबिया, और साउथ में है पैसिफिक ओशन। तो बेसिकली अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों से इसकी बॉर्डर मिलती है। टोटल पॉपुलेशन है पनामा की लगभग 45 लाख, यानी कि 4.5 मिलियन के करीब, जो कि वर्ल्ड में शायद 127वीं रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया है लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना इसकी, इसकी कैपिटल सिटी पनामा सिटी है, और बिगेस्ट सिटी भी पनामा सिटी है। पनामा सिटी की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख है, तो हिसाब लगा लो 40-45 लाख में से 20 लाख लोग तो पनामा सिटी में ही रहते हैं। तो बेसिकली ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जो है देश की वो पनामा सिटी में ही रहती है या आसपास इसके। पनामा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, और आपने रास्ते में देखा होगा कि ना कुछ ब्लैक लोग भी दिख रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ के एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग तो मेस्टिजो है, लगभग मेरे ख्याल से 65% मेस्टिजो। बेसिकली एक मिक्स्ड इंडिजिनस और यूरोपियन रेस है, यूरोप से जब स्पेनिश इधर आए थे कॉलोनाइज करने के लिए 16th century में, तो वो यहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ मिक्सअप हुए थे। तो जो लोग बाद की जो जनरेशन है उन्हें मेस्टिजो बोला जाता है, 65% यहाँ पे मेस्टिजो, उसके बाद 12% इंडिजिनस, यानी कि यहाँ के जो लोकल इंडिजिनस लोग थे या है,
और लगभग मेरे ख्याल से 9% यहाँ पे ब्लैक्स है, उसके बाद 7% मुलाटो है, यानी कि ब्लैक और वाइट, एक पेरेंट या तो ब्लैक है और एक पेरेंट वाइट है, दोनों में से 7% और 6% मेरे ख्याल से वाइट्स है यहाँ पे। पनामा में रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली लोग यहाँ पे 90% लोग क्रिश्चियंस ही है, जिसमें से ज़्यादातर लोग रोमन कैथोलिक्स है, क्रिश्चियंस में से भी कुछ लोग प्रोटेस्टेंट है या फिर बहुत थोड़े बाकी क्रिश्चियनिटी के लोग भी है, बहुत थोड़े। उसके अलावा जितने ही बचे लोग सारे नॉन रिलीजियस है या फिर 1% ऐसे है जो कोई और रिलीजन होगा, बस क्रिश्चियनिटी है बेसिकली। यार ये इलाका देखो कितना साफ सुथरा है, तभी यहाँ पे इतनी पुलिस थी और यहाँ पे टूरिस्ट दिख रहे, वरना पनामा कौन आता होगा यार घूमने, इधर फिर भी लोग दिख रहे देखो अंग्रेज। ये रोड तो ऐसे लग रही है मानो मैं मोनाको में आ गया हूँ। मोनाको वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कंट्री ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बेसिकली। उसकी सड़कें कुछ ऐसी सी है जैसी ये सड़क है ना, सिर्फ ये सड़क लेकिन ये आ गई, बाकी सड़कों पे तो गरीबी दिखती है एकदम। अरे ये सड़क भी देखो साइड में कितनी बढ़िया, यहाँ पे बाकी एक सुपर मार्केट है, इधर आया हूँ मैं। ये भाई करोना अल्ट्रा $8 की, यानी 650 रुपये की 6 बोतल है, तो सस्ती है। कंघी लेने आया था सुपर मार्केट में और कंघी के अलावा सारा सामान दे दिया, सेब संतरे अंडे दूध जूस पानी पीनट बटर राइस केक और पता नहीं क्या क्या। मेरा ग्रोसरी का बिल आया $40 जो कि अपने इंडिया के बने 3300 रुपये शायद, जो कि थोड़ा महंगा है, बाकी अपने इंडिया से तो है ही महंगा काफ़ी, पर सही है अब जो भी है, बाहर खाने से तो अच्छा ही है, खुद बना के ढंग का खा लो एटलीस्ट एक या दो टाइम।